क्या कहते हैं कि आज चारों क्यों में शहीद हुए, अकेला अशफाक मजीद बानी को शहीद हुआ। कहते हुए कि भाई मुझे अपने भाई का चेहरा देखने दो, आज मैं 1.5 माह के बाद अपने भाई का चेहरा देखना चाहती हूँ। लेकिन इशफाक मजीद मलिक की बहन के साथ यासीन मलिक की शिरा पीछे खड़े हैं, उनके साथ उनकी वालदा जो यासीन मलिक साहब की वालदा हैं, शहीद पाक मजीद गानी की मैयत को सिर्फ शहीद के इस्तखाकी को लेकर आगे बढ़ा।
जाए अम्बुलेंस में रख के। शहीद इशफाक मजीद वानी के करीबी साथी जनाब यासीन मलिक, जनाब अब्दुल हमीद शेख और जनाब जावेद अहमद मीर जनाजा गांव में जनाजा के साथ पहुंच चुके हैं, जनाजा को कंधा दे रहे हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए भारतीय कौम पूरी तरह से चौकस हैं, उन्हें गिरफ्तार हर कीमत में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जनाजा की तैयारी हो रही है, अवाम बड़ी मुश्किल से रोका गया है कि गश्त की तरफ जाने के लिए, और उनसे कहा जा रहा है कि वो जहाँ गए हैं वहीं खड़े हो जाएं, सफे सीधी कर लें ताकि वहीं नमाजी जनाजा अदा किया जाए। जस्ट खाकी को एम्बुलेंस पे छत पर चलाने की एम्बुलेंस की छत पर चढ़ाया जा चुका है। जस्ट खाकी को ताबूत को लाया जा रहा है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस की छत पर चढ़ाने के लिए ताबूत को आगे लाया जा रहा है। जावेद मीर साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब और यासीन मलिक साहब ताबूत के साथ साथ हैं। इस चीज से बेपरवाह बेनिया आज क्या होगा, अवाम उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो यहाँ के रुखोश हो जाएं, लेकिन वो अफल फल इनकार कर रहे हैं। तो क्या तक वो कह रहे हैं कि आज हम जावेद मीर साहब को जबरदस्ती अवाम यहाँ से हटा रहे हैं। जिस हाथी को एम्बुलेंस की छत पे चढ़ा दिया गया के वालिद साहब, जो कह रहे हैं कि सिर्फ 8 अफराद गाड़ी में सवार हों ताकि मैयत को मजार शुदा ले जाया जा सके ईदगाह, और आवाम से अपील की जा रही है कि वो इस सड़क को क्रॉस न करें क्योंकि सामने फौज ने जो है वो सब कर ली हुई है। आवाम अपने जज्बात पर काबू रखें, अवाम अपने जज्बात पर काबू रखें। अवाम से पुरजोर अपील की जा रही है कि वो सड़क क्रॉस न करें।